घरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है, और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देख कर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या? लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज, कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान, दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ, और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगा कर बैठूंगा और पीछे डिम्पल को बैठाऊंगा, देखना जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जलेगा। दुकान में रखा हुआ बर्नॉल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उस क्रीम बाहर आ गई। अबे गाले क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके सर पर एक चपत लगा दी। सॉरी सर। लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमनलाल। लकी पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक गया। गधे, अब इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और MRP से डबल रेट में कटेगा। चमन ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, MRP से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लकी की खोपड़ी पर एक और बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहां से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं से भी फोन आए लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर लकी ने अपनी बात कही, उधर से जवाब आया, मैं ब्लूइंग नाइट होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवर करवा दो। वो एक लड़के की आवाज़ थी, उसकी आवाज़ में काफ़ी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों उसे वो आवाज़ जानी पहचानी से लगी। जी सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी जो कि अपना पेन लेकर खड़ा था, हार्ट प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कंडो माता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की स्टोर पर काम करने के बाद उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछा। जी सर, लिख लिया। लकी ने खिसिया कर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज सुनकर ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, मैं सर, लेकिन सर बाहर तो बारिश हो रही है, लकी ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो नहीं निकल पाएगा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं ऑर्डर तो ले आऊंगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बारिश थोड़ी थम जाए। अब इससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता, फोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? हाँ पता है, बारिश हो रही है इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने फोन काट दिया। उधर से लकी के दुकान का ओनर उसे घूर कर देखा जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देख कर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमनलाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का कोई बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी, लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी क्या भी निकलूंगा ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, चमन ने कहा। पर
लकी ने कहा।